पे हम अभी जो काम कर रहे हैं, वर्चुअल सक्सेस पे हम काम कर रहे हैं, मसाज पार्लर है, ब्यूटी पार्लर में जो बहने काम कर रही है, अभी उनको राशन बांट रहे हैं। हमने उनको बोला कि हम आपकी लिस्ट दे रहे हैं जिसमें हमें आपका राशन आगे हमें भेजना है, आधार नंबर मोबाइल नंबर। वो लोग मांग रहे हैं कि हमने राशन सही जगह दिया है नहीं दिया वेरिफिकेशन के लिए। दीदी वो फोन करके ये तो नहीं पूछेंगे ना कि मैं धंधे वाली हूँ या नहीं, कोई कुछ और क्वेश्चन तो नहीं करे ना, क्योंकि अभी मैं घर में हूँ, कोई मुझसे पूछ तो नहीं लेगा ना। अब मैंने मेरा मोबाइल नंबर आपको दे दिया, मुझे नहीं पता आप मुझे किस टाइम फोन करेंगे, है ना, और उस टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ हो रहा हूँ। पूछ बेटा कि आप ANSW की मेंबर हो, मैं क्या जवाब दूंगी। तो सारी चीजें इंसान को कहीं ना कहीं इस काम के चलते डिप्रेशन में लेके जाती ही जाती है, क्योंकि मेरे काम को समाज ने कभी स्वीकारा ही नहीं। मेरी जो छवि है वो इस समाज में गंदी है, गंदी महिला की है, समाज को गंदा करने वाली एक महिला है, यही बताया गया है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा एक डर तो है ही कि ये छवि मेरी अगर मेरे परिवार को या कहीं पता लगती है तो मेरे को क्या होगा। तो जो उनका काम था, बेसिकली काम सेक्स वर्क क्या होता है सभी को पता है ना, फिजिकल टच होना बहुत जरूरी है। और जैसे कोविड आया वो सब खत्म हो गया, कोविड के बाद तुरंत लॉकडाउन हुआ, जैसे हमारे देश में कोविड आया और उसके बाद बिना किसी एक दिन के सूचना के बाद जो लंबा लॉकडाउन था लास्ट ईयर का, वो सबसे ज्यादा दुखदायी था। अभी तो है कि उस तरीके का लॉकडाउन है नहीं, बहनें निकल सकती हैं, कहीं से अपनी मदद ले सकती है, पर पिछले साल जो हुआ था वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। लोग निकल नहीं पा रहे थे, एकदम से बिना किसी भी सूचना के सबको अपने घर में बंद होना पड़ा। तो जो बहुत सारी जो होम बेस्ड सेक्स वर्कर थी हमारे देश में, खास करके अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ, तो उनका जो काम का होता है, उनका उनके पास दो मोबाइल होते हैं, एक उनके काम के लिए होते हैं और एक वो जो अपनी फैमिली के लिए रखते हैं। तो ज्यादातर हमारे पास था काम वाला नंबर जो रेगुलर वो यूज कर रही थी, हमें दिया हुआ था, घर में छुप गई है तो उस नंबर को उनको बंद करना पड़ा था कि कोई गलती से कोई फोन ना करते क्लाइंट। दिक्कतें आई जो मैंने रेंट पे रह रही थी, मकान मालिक का पूरा प्रेशर था कि आपको रेंट देना है, रेंट नहीं दोगे तो हम मकान खाली करा लेंगे। तो इस तरीके से मकान मालिक के साथ भी एडवोकेसी हुई कि अब जब उनका काम शुरू होगा वो थोड़ा थोड़ा करके आपका रेंट दे देंगे, आप मकान खाली मत करवाइए, वो कहाँ जाएंगी अपने बच्चों को लेके, इस तरीके का। और जो फैमिली के साथ जो बहने रह रही थी उनके साथ बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर आ रहा था कि तुम कहाँ काम पे जाती थी, वहां से पैसे क्यों नहीं ला रही हो, वो लोग आधी तनख्वाह तो आप लोगों को देंगे ना, ऐसा तो कुछ करेंगे ना। तो ऐसा उनके साथ वो भी हो रहा था कि वो अब घर में क्या जवाब दें कि हम क्या काम कर रहे थे, कि हमारी मंथली तनख्वाह को हम कैसे, जो डेली हम कमाते थे 500-200 रुपये उसको जोड़ के घर में हम मंथली देते थे, तो वो तो था ही नहीं, अब कोई हमारा रेगुलर तो था नहीं जो हमें दे देगा जाके। तो ये सारी परेशानियां उससे लेके अब तक भी है वो दिक्कतें, क्योंकि पिछला कर्जा अभी तक उतरा नहीं था, दोबारा से ये हाल हो गया है। जो जो क्लाइंट था, जो क्लाइंट है हमारा, वो सब माइग्रेंट वर्कर है, मजदूर है ना, कोई छोटी मोटी नौकरी करने वाला इंसान है, तो वो जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं वो ज्यादा क्लाइंट होते हैं कम्युनिटी के। और जब पलायन हुआ तो लोग निकल गए, कोरोना आया और लोगों को लग रहा है कि दिल्ली में फिर से लंबा लॉकडाउन होने वाला है। तो जैसे लास्ट ईयर गए थे और कुछ लौटे हैं और कुछ नहीं लौटे, क्योंकि लोगों को डर था कि अभी कोरोना है, फैक्ट्रियां बंद, बहुत सारे काम थे जो लोगों के छूट गए हैं। तो जिस तरीके से क्लाइंट का लोड कम हुआ है, चाहे आप ब्रॉथल्स पे देख लीजिए, चाहे आप होम बेस में देख लीजिए, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद ये दोबारा वाला जो दूसरी जो भयानक लहर आई है अब दूसरे साल, वो बहुत बुरी आई है। लास्ट ईयर हमारे देश में इतनी मौतें नहीं थी, इस साल जो मौतें हुई है उसने कम्युनिटी को बहुत ज्यादा डरा दिया है, और कम्युनिटी क्या सभी लोगों को डरा दिया है कि हम बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं से कोरोना लगेगा और हम मरेंगे जरूर। वो इसलिए कि वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अच्छे अच्छे पैसे वाले लोगों को तो नहीं मिल रही, हम गरीब लोग कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे, हमें हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिलेगा, यदि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो मेरे साथ वैसे ही दुर्व्यवहार होने वाला है। तो वो सारी चीजें कम्युनिटी में एक डर बन गई है, तो लोग नहीं निकल रहे। ये लॉकडाउन चालू हुआ, कोविड आने के बाद लॉकडाउन चालू हुआ, एकदम सब लोग टॉक हो गए, तो बार बार हम लोग को कॉल आने लगा, ये रहता लोगों का, हम लोग को बहुत ये कुछ हम लोग को खाने के लिए नहीं है, कुछ तो करो मैडम हमारे लिए, कुछ बंदोबस्त करो, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लाइंट सब बंद हुआ ना, धंधा ही उनका बंद हुआ, तो उनका खाने का क्या। लड़के लोग छूट गए और
उनका परेशानी का वजह से थोड़ा गांव गए, लड़के लोग आया नहीं है, और एचआईवी टेस्टिंग छूट गया, बहुत सारा चेंजेस आया मैडम इसमें। और गए साल में उनका तकलीफ का वजह से भी बहुत लड़के लोग गांव भी गए ना, गांव गए इधर इधर हो गए ना, तो वो लोग वापस आया भी थोड़ा दिन, आया भी नहीं है, ये सब सारी चीजें हुआ। और कोविड का वजह से लड़के लोग ये व्यवसाय से थोड़ा सा अलग से भी काम शुरुआत किया है, कोई भाजी बेच रहे, कोई कॉस्मेटिक बेच रहे, कोई कपड़ा बेच रहे, ऐसा चालू किया है। और सब लड़के लोग बोलने लगे हम लोग को ये ऐसा आएगा हमको पता नहीं था, हम भी दूसरा काम हम भी करते थे, उनको इतना पता नहीं था पहले ऐसा होगा, इतनी सडनली हमारा धंधा बंद हो जाएगा, सब कुछ भी पता नहीं था उनको। तो वो लोग बोलने लगे हम लोग को काम कुछ तो दे दो, हम काम करेंगे, घर बैठे बैठे काम करेंगे। तो वो टाइम में भी बहुत सारे लोगों को फोन किया मैंने, कंपनी को वगैरह ऐसा ऐसा रहेगा, कुछ घर पर बैठ के पैकिंग करना रहेगा हमारा, लोगों को दीजिए हम करके देंगे ऐसा। तो मगर कोई कंपनी वगैरह इतना ये नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, और उनको अभी ऐसा लग रहा है हम दूसरा भी काम करेंगे, रेडी हो गए भी, क्योंकि बहुत सारा तकलीफ होता है उन्हें, क्योंकि बराबर खाने के लिए, हाँ खाने के लिए भी लाइन लगा के खाना लेना पड़ा उनको। बोलने लगे जिंदगी में ये कभी हम लोग को ऐसा नहीं लगा था, ये खाने के लिए कंटेनर के लिए हम लोग इतना लंबा लाइन लगा के खाना लेंगे, ये बुरा लगा। घर में तो बहुत असर पड़ता ही है, क्योंकि वो जो रेशन मिलता है ठीक है, लेकिन वो तो जा नहीं पाता है, उसको देने नहीं मांग पाता है, और फिर भी जो बच्चा लोग है उसको जो लेखा पढ़ा करता बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कि देखिए बहुत सारे दीदी लोग है कि उसका स्मार्टफोन नहीं है, ऑनलाइन में बच्चे लोग पढ़ नहीं सकता है, उसको मालूम भी नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। सब जो वर्कर है वो दूसरा काम कर सकता है, लेकिन सेक्टर का लोग कहाँ जाके क्या काम करे, वो तो नहीं कर सकता है ना, ये तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग है कि बहुत सारे पेशा में जो लोग है वो लोग दूसरा जगह जाके काम करता है, लेकिन मुश्किल सेक्टर के लिए ना ये लोग कहाँ जाके कहाँ क्या काम करेगा, तो मुश्किल का बात है। जी, यही ये जो बिजनेस है, ये जो ट्रेड है, यही तो जिंदगी है ना, तो फिर तो दूसरा काम का कोई सोच विचार भी नहीं है उसका, और होता भी नहीं, कहाँ जाएगा क्या काम। तो बहुत सारे इशू है जो वो लोग झेल रही हैं आज भी, उसके चलते उनको मेंटल हेल्थ इशू शुरू हो गए हैं, इतना वो डिप्रेशन में चली गई हैं, मेंटल हेल्थ इशू पे हमारे यहाँ बात करने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा मतलब कि काउंसलर हमें नहीं मिल रहा जिससे हम जाके बता पाए कि हमारे साथ ये स्थिति है, या हम फोन पे भी बात करके अपना स्ट्रेस है उसको कम कर लें। तो ज्यादातर कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, फैमिली का प्रेशर, बच्चों को कैसे हम पढ़ा पाएंगे उसका प्रेशर, रोजमर्रा का जो खाने का है वो कैसे चलेगा, चलो किसी संस्था ने दे दिया आज मुझे एक किट मिल गई है, वो 10 दिन पेट भर सकते हैं, 10 दिन के बाद अगर नहीं मिला कहीं से राशन तो मेरा घर कैसे चलेगा। उसके अलावा मेरे को एचआईवी पॉजिटिव हूँ, उसके अलावा मेरे घर में 2 बुजुर्ग मेरे बीमार हैं, या उसके अलावा मेरा बच्चा कोई दिव्यांग है, तो मेरी स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर। तो जी इन सारी स्थितियों के बीच हमारी कम्युनिटी सरवाइव कर रही है। सरकार की तरफ से लास्ट ईयर मदद आई थी, जिन्होंने ड्राई राशन दिया था, जिसमें 5 किलो आप गेहूं बोल दीजिए, 1 किलो चावल जो भी राशन के थ्रू मिलता है, तो वो कम्युनिटी एक महिला को 5 किलो अनाज मिला था, तो वो भी इतना सफिशियंट नहीं है, 5 किलो अनाज को वो कहाँ पिसवाने जाएगी लॉकडाउन में। अगर हम जीबी रोड की बहनों की बात करते हैं, अगर आप उनको 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दे रहे, तो 4 किलो गेहूं कौन साफ करेगा और कौन पिसवाने जाएगा। इतने सालों से एक शहर से दूसरे शहर में जिंदगी गुजर गई है उनकी, बोथल में रहते हुए अपने घर में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, गाँव में दूसरे शहरों में जहाँ से वो आ गई है, तो उनको जब मैं देखती हूँ या मैं खुद को भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कमा रही हूँ पर मेरे साथ में मेरी फैमिली है ना, वो दिख रहे हैं अच्छे हैं बुरे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं साथ में खा रहे हैं फिर लड़ाई होती है, वैसा एक है। पर जो अपनी फैमिली को छोड़ के पूरी जिंदगी सक्सेस जो महिला कर रही है, लास्ट में उसको क्या मिलेगा, क्या पता वो अपने घर जाए तो उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करे। अगर मैं आज देखूँ तो उनसे हम बात करते हैं, फोटो खींच ले, नहीं मेरे बच्चे पढ़ लिख गए ना, वो मोबाइल चलाते हैं, वो कहीं मेरी फोटो ना दिख ले। कई लोग, कई बार क्लाइंट आते हैं वो पैन में कैमरा लगा के आ जाते हैं, वीडियो बना के यूट्यूब पे वायरल कर देते हैं, वो डर जाती है। वो सारा तो अगर मेंटल हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ना। मेरे बच्चों को पूरी जिंदगी, बच्चे छोटे थे मेरे को टेंशन नहीं थी, आज मेरा बच्चा 25 साल का हो गया, मेरे से क्वेश्चन कर लेगा तो मैं क्या जवाब दूँ, तो मैंने क्यों ये काम शुरू किया। कभी ना कभी मेरे को डिप्रेशन में जाना ही पड़ेगा, और वो मैं आज से सोचना शुरू करती हूँ। अगर मैं आज बच्चों को समझाना शुरू करूंगी तो बच्चे नहीं समझेंगे, ये बोलेंगे पता नहीं आपने क्यों शुरू किया था ये काम, क्या आपको कोई काम नहीं है। पर मैं क्या बताऊँ कि उस टाइम पे मुझे क्या मजबूरी थी जो मुझे ये करना पड़ा। आज तुम जवान हो गए तो मुझसे क्वेश्चन कर लोगे,
ये सच्चाई है, ये सभी बहनों के साथ है। किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है, मेरी बेटी की शादी हो गई तो उसको ससुराल में पता ना लग जाए, बहुत सारी चिंताएं हैं उनके। ग्रोथल पे हम अभी जो काम कर रहे हैं, वर्चुअल सक्सेस पे हम काम कर रहे हैं, मसाज पार्लर है, ब्यूटी पार्लर में जो बहने काम कर रही है, अभी उनको राशन बांट रहे हैं। हमने उनको बोला कि हम आपकी लिस्ट दे रहे हैं जिसमें हमें आपका राशन आगे हमें भेजना है, आधार नंबर मोबाइल नंबर। वो लोग मांग रहे हैं कि हमने राशन सही जगह दिया है नहीं दिया वेरिफिकेशन के लिए। दीदी वो फोन करके ये तो नहीं पूछेंगे ना कि मैं धंधे वाली हूँ या नहीं, कोई कुछ और क्वेश्चन तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि अभी मैं घर में हूँ, कोई मुझसे पूछ तो नहीं लेगा ना। अब मैंने मेरा मोबाइल नंबर आपको दे दिया, मुझे नहीं पता आप मुझे किस टाइम फोन करेंगे, है ना, और उस टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। पूछ बेटा कि आप ANSW की मेंबर हो, मैं क्या जवाब दूंगी। तो सारी चीजें इंसान को कहीं ना कहीं इस काम के चलते डिप्रेशन में लेके जाती ही जाती है, क्योंकि मेरे काम को समाज ने कभी स्वीकारा ही नहीं। मेरी जो छवि है वो इस समाज में गंदी है, गंदी महिला की है, समाज को गंदा करने वाली एक महिला है, यही बताया गया है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा एक डर तो है ही कि ये छवि मेरी अगर मेरे परिवार को या कहीं पता लगती है तो मेरे को क्या होगा।